आज हम बेचने वाले हैं कपड़े गांव गांव जाके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित रावत और पहाड़ी भाई यूट्यूब चैनल में करता हूं मैं आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अभी यहां पे देखो, परसों हमने पिछले ब्लॉग में यहां पे सीमेंट लगाई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब तो यार, इधर पूरा सीमेंट ही सीमेंट। और मैंने आप लोगों को बताया था हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, काफ़ी जल्दी आने वाले, बस एक दो दिन में, यानी कि मतलब कल परसों आने वाले हैं। 28 तारीख को, आज है 26 तारीख। अभी हम सफाई वगैरह पे लगे हुए हैं और यहाँ पे घर को चमकाते हैं थोड़ा, गंदा तो इतना है नहीं लेकिन झाड़ू वगैरह मारते हैं और साफ करेंगे। फिलहाल अभी कौन क्या कर रहा है देखते हैं। अभी अभी नाश्ता किया, भाभी बर्तन धो रही है और रोहन ताक रहा है। मम्मी यहाँ पे अभी भैंस को भी नहला रही है, भैंस की सफाई भी चल रही है। और आजकल यहाँ पे बब्बू और के छोटी छोटी चिनकियाँ और रखी देखो, और इनकी भी लिपाई का काम चल रहा है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे सफाई करेंगे। भैंस भी हो गई ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा कूल कूल इन्हें नहलाना पड़ता है रोज रोज, ताकि इसे गर्मी ना लगे। इसको भी गर्मी लग गई काफी ज्यादा धूप से, और अब इसको मम्मी नहला रही है। देखो इस पे गोबर वगैरह लगे ना, नीचे जब सोता है तो नीचे गोबर वगैरह रहती है। इसको अभी नहीं नहलाते, ये अभी सही है। और मेहमान हमारे घर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मेरी दादी है, जिनके यहाँ हमने दिल्ली में दिवाली मनाई थी, उनके बेटे की शादी हुई थी, यानी कि मेरे चाचा जी की शादी हुई थी। तो उनकी शादी के बाद यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था एक दो साल तक, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सोचा था कि घर में आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और सबके सब आ रहे हैं। दादी आ रही है, उनके लड़के यानी कि मेरे चाचा भी आ रहे हैं, और चाची जी भी आ रही है, और बुआ भी आ रही है, उनकी लड़की भी आ रही है, उनकी सारी फैमिली आ रही है मतलब। और काफ़ी टाइम बाद आ रहे हूँ घर, काफ़ी सालों बाद। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा है कि पार्टी देंगे वो शादी की भी, और जो चाचा जी का लड़का हुआ यानी कि हमारा छोटा भाई, उसकी वजह से भी दादी और घर आ रहे हैं और उसके लिए पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि लड़का हुआ है और दादी बन गई, दादी मतलब दादी दादी बन गई, उसके लिए भी यहाँ पे पार्टी देंगे गांव वालों को। पूरी फैमिली हमारी इकट्ठा हो जाएगी जब वो घर आएंगे। तो सोचा उन्होंने कि जागर भी लगाएंगे रात को, देखते हैं जागर भी लगाएंगे ताकि जो देवी देवताएं हैं सब हमारे नाच जाए, उनको हम एकदम खुश कर दे, जो भी इच्छा होगी उनकी, जो भी मांग होगी उनको हम पूरा कर दे। तो इसलिए सबके सब पहली बार यहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठा होने वाली है, सारी फैमिली आ जाएगी घर, लेकिन मेरे दोनों भाई अजय भाई और अमित भाई अभी ड्यूटी पे हैं तो वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, और हमारी पूरी फैमिली बाकी यहाँ पे रहेगी। तो अभी बताएंगे आगे, आपको ब्लॉग देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आ रहे घर क्योंकि जागर वगैरह करने हैं और पार्टी भी देनी है, तो यहाँ पे दादी उन्होंने सोचा घर आ जाएंगे। परसों बोले बाजा जान चाहे रोड में ठीक से, अच्छा अच्छा, और बोले जेबर तक बोला ना, वेबर तक बाजा बंद नहीं होना चाहिए वो ठीक से, और बोले रोड में रहा ना, वो सीधा जाना मंदिर में, ताल ताल मंदिर में जाना, तो बाजा रुकने चाहना चाहिए बोले जेबर तक, हम बोला ठीक से, हाँ दुआ दिन ठीक से ना, हाँ दम 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 दम, हाँ डांस भी चलो रहे। तो अभी यहाँ पे जो हमारे बाजे वाले हैं जिनको हम ओजी बोलते हैं वो भी हैं, उनको भी मैंने बोल दिया है कि जब 28 तारीख को आएंगे वो तो रोड से ही बाजे बजा के, और जब तक वो बोलेंगे तो बाजे रुकने नहीं चाहिए, और वो जाएंगे सीधे मंदिर में और ऐसा कुछ चलता रहेगा। जिस दिन आएंगे उस दिन आपको बताएंगे। फिलहाल आज सफाई वगैरह करते हैं और देखते हैं आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। जो चाचा जी है वो आ रहे हैं कम से कम 15 साल बाद गांव में, कैसा लगेगा उनको, काफ़ी अच्छा लगेगा यार। और जो बुआ है वो भी आ रहे हैं, करीब बचपन में आई थी, बचपन में आई थी तो 20 साल बाद, क्या यार भाई, अगर शहर में रह के 20 साल बाद आप गांव आओ तो कितना अच्छा लगेगा आपको, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे गाँव में, एकदम सुकून सा। और अभी यहाँ पे पीछे देखो कितनी धुंध लगी हुई है, तो ये धुंध का कारण ये भी आजकल, क्योंकि हर तरफ आग लगी हुई है तो धुआं धुआं इधर पूरा फैला हुआ है धुआं। आज हम बेचने वाले हैं कपड़े गांव गांव जाके, बोले मेरे कपड़े बेचना गल्ला कब ठीक से, क्या लेने तिलक, धोती कुर्ता पजामा, जस्ट फॉर जोकिंग, ये मजाक है। और अभी इसमें है कपड़े वगैरह जिनको हमने धोना है, पूरा बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर आ चुका है, झाड़ू मार के सब हम स्टार्ट करेंगे, जो कमरों के अंदर जो भी गंदगी होगी थोड़ा बहुत उसको क्लियर करेंगे, अपने घर को चमकाएंगे ताकि मेहमान भी थोड़ा खुश हो जाए। लेकिन मेहमान भी हमारे वीडियो वगैरह देखते हैं। अतिथि देवो भव, कपड़े तो रोज ही धोती है ना भाभी, हाँ तो कुछ अलग ऐसे कपड़े हैं, आज तो अलग ही कपड़े हैं बहुत ज्यादा, सब कपड़े धो दो, एक कपड़ा नहीं छूटना चाहिए ठीक है, पूरा तो जितने सफाई करो उतना ही कम काम है, लिपाई होगी सफाई होगी सब कुछ होगा, झाड़ू मारेंगे इसमें। यहाँ पे वो बिछाओ पहले यार, ये धोए बिछाओ कुछ कपड़े, अरे धोए ताल, अरे कपड़े बिछाओ यार, तब बड़े लगन।
अभी यहाँ पे देखो डब्बे वगैरह रखे हैं, मसाले वगैरह सब कुछ इन डब्बों में रखा हुआ है। ऐसे रहते हैं यार गांव में, कमरे ऐसे रहते हैं, सब कुछ ऐसे डाला रहता है। अभी यहाँ पे सही नहीं लग रहा है ना, तो अभी यहाँ पे कपड़ा रखेंगे, उनके ऊपर रखेंगे इन डब्बों को इस स्लिप में, तो उसके बाद देखते हैं कितना अच्छा लगेगा। तो लेट्स गो। मैं फिर से आया तिमनिखाल मार्केट में, और यहाँ पे ऐसा हुआ था कि देखो छत में कैसे चढ़ रहे बस में लोग, छत में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। और कुछ सब्सक्राइबर मिले यहाँ पे कंडोली से हमें, वासुदेव भाई जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी कोटा के टूर्नामेंट में, और भरपूर से रोशन भाई। तो यहाँ पे सुमन के पापा को, अपने दादाजी को छोड़ने आया था मैं यहाँ पे, अभी सफाई कर रहा था घर में। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, शादी है, यहाँ से आ रही थी और बारात कंडोली से जा रही है शायद कहीं, एक कार एक टैक्सी एक बस। घर में सफाई कर रहा था मैं, और वहाँ से दादाजी ने बोला कि मेरे को छोड़ दे तिमलिखाल, सुमन के पापा ने उनको छोड़ने आया था। और यहाँ पे तिमलिखाल में आपने देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिलहाल अभी मैं हूँ जहाँ पे मैंने आपको परसों बताया था जब हम कुंज गाँव जा रहे थे शादी में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा था, यहाँ पे देखने लायक जगह थी। यहाँ पे तिमलिखाल के सामने मैं हूँ जहाँ से कि कुंजखाल के लिए रोड जाती है, कोटा वाली रोड जाती है और हमारे गाँव के लिए, और यहाँ पे मंदिर भी है। तो परसों यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रखा था, मस्त सी हवा चली थी शाम को, और देखने लायक जगह थी यहाँ पे। तो अभी देखो कैसा हो रखा है, आप बोलोगे क्या हो गया, एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। यहाँ पे भी एक मंदिर है और दीबा माँ का मंदिर तो उधर है, लेकिन आप एक बात नोटिस करो दोस्तों, परसों यहाँ पे कितना अच्छा था माहौल, इधर उधर साफ किरे किरे दिख रहा था। और ये देखो आजकल यहाँ पे लगी हुई पूरे जंगल में आग, तो धुआं धुआं एकदम धुंध हो गई है इधर। देखो ये देखो पूरा इधर के लिए कुंजखाल वाली रोड पे, तो देखो कितना ज़्यादा धुआं हो रखा है। ये देखो दोस्तों उधर के लिए देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इधर के लिए भी पेड़ जल गए हैं, इधर उधर पूरा जो घास था सब कुछ ये जल गया, इधर जो हरियाली थी सब समाप्त हो चुकी है, और चीड़ के पेड़ भी जल गए। आग लगने के बाद हमें तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है गर्मी वगैरह की, वायु प्रदूषण वगैरह, और यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें, हमारे लिए खतरा है। जो लोग आग लगाते हैं उनको शायद नहीं समझ, उनका भेजा थोड़ा पता नहीं क्या रहता है, उनका क्या दिमाग ख़राब रहता है पता नहीं, लेकिन हमारे लिए ये नुकसानदायक होता है। गर्मी वगैरह इससे और ज़्यादा होती है, जब आग जलती है जंगलों में तो और ज़्यादा गर्मी होती है गर्मी के टाइम पे, और यहाँ पे जंगली जानवरों के लिए पक्षियों के लिए और भी खतरा रहता है। जंगली जानवर जल जाते हैं, चिड़ियाओं ने बच्चे दिए रहते हैं पेड़ों पर, वो जल जाते हैं यार, उनको कौन संभालेगा, उन पर भी तो जीवन है, उनको कौन बचाएगा। जो आग लगाते हैं उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर जो दिख जाए सरकार को उनके लिए एक्शन लेना चाहिए यार। इतने अच्छे अच्छे जंगलों को, हरे हरे जंगल थे परसों यहाँ पे, आपने देखा होगा जब हम कुंडे जा रहे थे, इधर बांज के पेड़ है, बुरांस के पेड़ है, ये चीड़ के पेड़ है, कितने अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे हरे भरे, जब हवा चलती है तो इनकी टहनियाँ जब हिलती है काफ़ी अच्छे लगते हैं ना यार। तो क्यों जंगल को नष्ट कर रहे हो, आग लगा रहे हो यार यहाँ पे, ये गलत बात है ना दोस्तों, सबको समझाओ यार जंगलों में आग बिल्कुल मत लगाओ दोस्तों, सबसे मेरी यही अपील है यार। कितने अच्छे दिखते हैं हमारे जंगल, हमारे उत्तराखंड के जंगल, हमारे गाँव के जंगल। देखो यार दिल को यहाँ पे ठेस पहुँची इस नज़ारे को देखो, यहाँ पे धुआं धुआं हो रहा है, मेरे आँखों में भी धुआं लग रहा है, अभी मैं आ नहीं पाया इधर से, इतना धुआं हो रखा था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है लेकिन इतना धुआं है यहाँ पे, क्या ही बताऊँ यार मैं आपको। ये देख लो यार कितना धुआं है यार, धुआं ही धुआं इधर के लिए भी देखो। तो आजकल उत्तराखंड के जंगलों में ऐसे आग लगी हुई है, इस धुएँ से हमें तो बहुत खतरा होता है, हमें क्या इस धुएँ से बहुत नुकसान होते हैं। गर्मी वगैरह अलग से होती है जब आग जलती है, और जो लोग शहरों से आए होंगे तो उन्होंने तो धुआं देखा नहीं होगा, तो उनको तो एलर्जी होगी ना धुएं से यार। इधर चलेंगे तो चल पाएंगे, इधर नहीं चल पाएंगे भाई, चलते हैं घर। फिलहाल अपनी सफाई का काम थोड़ा छूट रखा है, उसको निपटाते हैं। अभी अभी आ गए हमें तिमलिखाल से, और इधर का नज़ारा देखो और वहाँ का नज़ारा देखना था, कितना बेकार हो रखा था धुएँ से, धुआं ही धुआं। गाय यहाँ पे पानी पी रही है, भाभी यहाँ पे कपड़े धो रही थी, तो आधे में ले जाऊँगा यहाँ से, ये भी सही हो गया। इस वाले कमरे में साफ ही रहता है, इधर पूरा यहाँ पे क्लियर ही रहता है, इधर साफ सफाई रहता है, क्योंकि इधर रेगुलरली झाड़ू मारते रहते हैं कोने कोने तक, सब काम निपटेगी माँ ठीक से, भीतर साफ हो गया, सब काम अब लिपाई करो, लिपाई रह गया बस, लिपाई रह गया ठीक से, भीतर साफ हो गया, तार कमरा साफ हो गया, बैक कमरों ज्यादा गंदे नीचे, सब क्लियर,
टाइम हो गया 11:30 बज गई। अब तुम खाना बनाओ। ये के थे पकड़ा मिल खाना नाला। अभी टाइम हो गया 1 बज गए और अपना लंच हो रहा है। खाना खाया अभी। भाभी और मम्मी खा रहे हैं यहाँ पे बाहर ही बैठ के। आजकल मक्खियाँ बहुत ज्यादा हो गई तो रोहन ने इस कमरे में दवाई छिड़की यहाँ पे और मक्खियाँ ही मक्खियाँ हो रखी है। अब भैंस भी छोड़ने लग गई ना, दूध नहीं दे रही है वो। लास्ट बार कर देता है। अब दही खाने को नहीं मिलेगी। दही खाने को नहीं मिलेगी बाजार में तो लेने पड़े। 30 रुपए की दिन था मिले बाजार। कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह अभी सब बाहर ही है और मौसम भी थोड़ा बदल रहा है। इधर भी लिपाई कर दी है। इधर गर्म हुई ये अपनी सफेद वाली मुर्गी। इन्हें 6 बच्चे दिए हैं वो भी काले काले। इसके पैर पे पता नहीं क्या हुआ है, पैरों ने टेक रहा है। चाय वगैरह पी के अभी थोड़ा सीमेंट बन रही है और यहाँ पे सीमेंट लगानी थोड़ा इधर नीचे। अभी टाइम हो गया 4:30 बजे। अभी यहाँ पे सीमेंट लगा रहे हम। चाय हमने पी लिया, अपनी मुर्गियाँ भी चरा लिया रोहन ने और मैं तो अभी था आराम कर रहा था। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, ऐसे ढेर सारी पहाड़ी ब्लॉग के लिए पहाड़ी वाई यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।